इंट्रो देने दो बेटा इंट्रो देने दो क्योंकि इनकी बाइटिंग मोजिज खातिन आजाद बहुत खतरनाक होती है ये क्या है ये एक पाइथन पाइथन यू यू करता है बिल्कुल जिस ला... पे यू यू नागिन डांस मशहूर है नागिन वाला बिल्कुल डांस मशहूर ये मेरे हाथ में आ गई है लेजेंड बहुत ड्राउडी है अच्छा जी अब क्या दिखा रहे हैं अब बात चलिए चूहा आ गया चूहा अच्छा ये वो वाला है जो हमने बचपन में कहानियों में खतिनों exactly. exactly. <laughs> ये मकाउ मेरे साथ मौजूद है और ये भी आज का गेस्ट है और आज जो हमारा इंसानी शक्ल में गेस्ट है वो पाकिस्तान का ब्रेडी बार कह लें बेयर ग्रिल्स कह लें बेटा कुछ नहीं करना इंट्रो देने दो बेटा इंट्रो देने दो क्योंकि इनकी बाइटिंग मुजिस्ट खातन हजरा बहुत खतरनाक होती है कुछ नहीं करना है बेटा कुछ नहीं कर रहा मैं मैं हिल भी नहीं रहा तो आप उन्हें पाकिस्तानी बेयर ग्रिल्स ब्रेडी बार भी कह सकते हैं लेकिन उनका उनके घर वालों ने नाम रखा है जिम्मी जिम्मी कैसे हो अल्लाह का शुक्र नादिर भाई आप बताएं सबसे पहले तो ये अपनी अमानत आप लीजिए अपने पास माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है हाँ जी अच्छा जिमी, मुझे सबसे पहले ये बताएं। ये मकाओ आपके पास कब से है इसकी क्या उम्र है ये कहाँ पाया जाता है ये सर ब्राज़ील में पाया जाता है मेरे पास तकरीबन इसे दो साल का हो गया है ढाई साल इसकी उम्र है और ये दुनिया के जो सबसे बड़े तोते हैं उनमें इनका शुमार होता है ब्लू एंड गोल्ड इसकी ब्रीड है और नायाब और महंगी नस्लों में से एक है खाने के अंदर ड्राई फ्रूट बहुत शौक से खाता है अच्छा तो ये ब्राजील में पाया जाता है इनकी उम्रे कितनी होती है ये जो नॉर्मली कैप्टिविटी में रह लेते हैं मतलब कैद में जो रह लेते हैं बीस पच्चीस साल तीस साल भी रह लेते हैं तो ये है इनकी नॉर्मल है, जो रिकॉर्ड्स हैं वो 25-30 साल के भी मौजूद है वैसे अडल्टो हो जाते हैं ये चार साल के बाद ऑनवर्ड्स ये ब्रीड करने के काबिल है अच्छा जिम्मी ये बोल लेता है बोल लेता है सर ये आवाज़ें इतने क्विक लर्नर होते हैं जो लफ्ज ये रोज सुनते हैं जैसे इसने बिल्ली की आवाज़ सीखी हुई है चीलों की आवाज़ सीखी हुई है मियाँ म्यां करता रहता है अच्छा रोज सीखेगा वो बोलेगा भोंकता भी है अगर इसके साथ कोई डॉग हम रख दें और दो दिन उसकी आवाज उसको मतलब आइडेंटिकल कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल कॉपी होते ही है नहीं बल्कि इसका तो मुझे एक वाकया भी याद आ रहा है शायद आपने सुना हो कि एक मोहल्ले में एक साहब ने तोता पाला हुआ था आते जाते लोगों को वो गालियां दिया करता था बदतमीज तोता था तो एक शख्स ने शिकायत कर दी कि यार आप अपने तोते को तमीज़ सिखाओ गालियां देता है

तो उसको पता चला कि ये तोता तो है अंदर जो हेल्प मी हेल्प मी कर रहा है ऐसा बिल्कुल हुआ हुआ होगा होगा प्रैंक प्रैंक कर दिया हुआ 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 हुआ, 100%, ये इतने इंटेलिजेंट है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके नाम है अच्छा एमेजोन और ग्रे पैरेट दुनिया के सबसे ज्यादा बोलने वाले तीन सौ वर्ड तक की वोकैबुलरी याद कर सकते हैं माशाल्लाह ऐसी भी वीडियोस मौजूद है पूरी पूरी अजाने देते हैं अरे माशाल्लाह माशाल्लाह चले ये तो मकाऊ हो गया इसका नाम क्या बाय द वे ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ अच्छा आपने क्या रखा हुआ नाम जय हमारे पास चार, <laughs> दे दे, ये पकड़ ले, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे लिए क्या दिखा रहे हैं आप नेक्स्ट सर एक एग्जॉटिक पैट है और वो एक ऐसा पैट है जिसको पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता कि पाला जा सकता और मेरे पास जो ज्यादातर पैटो ये क्या है ये एक पाइथन स्नेक पाइथन। है ये एक पाइथन स्नेक है ये जहरीला सर पाइथन में जहरीला नहीं होता अच्छा हमें यह भी नहीं पता दो अक्सा में सांपों का हाँ। एक जहरीली दूसरी गैर जहरीली अब जो जिनके ने जहर नहीं अल्लाह ताला उनको ताकत इतनी दी है कि अगर ये किसी को झकड़ ले तो उसकी हड्डियां तक तोड़ देते हैं अच्छा? ये... ये है, इसीलिए मेरे साथ बैठा हुआ है सही है ये इसकी एज क्या है ये तकरीबन चार साल का कहा पाया जाता है ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और ए, अफ्रीका इस तरह के ममालिक पाया जाता है रॉक पाइथन इसको कहते हैं एक बात बताए जिम्मी साहब जी जी आस्तीन के सांप कम थे जो आपने इतना बड़ा सांप पाल लिया सर अस्तीन के सांप भी हैं सबकी जिंदगी में होते हैं हमारी जिंदगी में मगर ये असली सांप जो है ना अस्तीन के सांपों से ज्यादा अच्छा अच्छा वो कैसे हाँ बहुत अच्छा क्यों है भाई अस्तीन का सांप तो डस लेता है अस्तीन का सांप बताने से पहले नहीं डसता ये वाले सांप डसने से पहले बता देते हैं जैसे कोबरा है कोबरा है कोबरा की एग्जाम्पल ले नहीं मैं आपको बताता हूँ ये वार्निंग देते हैं

हमें सी, हम सीरियस हो जाएंगे है? साथ में शायद डॉक्टर भी सीरियस हो जाए नर्स भी सीरियस हो जाए गोरखन भी सीरियस हो जाए फावड़े बिल्कुल, बिल्कुल, तो और हो। बंद, बंदा पहुंच गया जन्नत और मरने का रीजन क्या है वजह है सांप को सीरियस ले लिया था इसने इसके अलावा अभी जब यहाँ पे पूरा इतवार बाजार लगा के बैठे हुए मोजे खातिन हजरा ये हमारे पास एक लिजर्ड भी है ओके। पाकिस्तान में तो कोई सोचेगा भी नहीं कैसे पालतू रखे यूएसए में यूएसए में जो है ना तो नहीं है नहीं 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 बिल्कुल नहीं काटता अच्छा, इसका जो मशहूर मारूफ नाम है वो सांडा तो नहीं है है। सांडा सांडा सांडे का तेल मुझे ये बताइए जिम्मी। ये सांडे का तेल मैं समझता हूँ तेल तारा मीरे का तेल तेल ये सांडे का क्यों मशहूर हो गया है सर ये बड़े जब भी ये मैं किसी को इंट्रोड्यूस कराता कर हूँ ये लिजर्ड है उसका नाम उसने इंग्लिश में नहीं सुना होता उर्दू में नाम लेता हूँ वो अलग कॉन्सेप्ट में ले जाता है ऑयल वाले सेंस में अच्छा भाई ये तो यही काम है इसका ये जानवर है इसके साथ बड़ा जुल्म होता है इसकी कमर की हड्डी तोड़ दी जाती है हम तो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं इनकी कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं कमर की हड्डी तोड़कर इसे रखा जाता है इसकी चर्बी निकाल के ऑयल बना के गलत बातों को उलझा के बेचा जाता है कम अकली का लोग शिकार इसको है इसको क्या किया जाए फिर अगर इसका तेल ना निकालें तो क्या करें नेचर नेचर की चीज ड्राइंग रूम में रखें का तेल निकाल दें जो रेप्टाइल लवर्स है ना वो इस तरह की चीजों को बहुत लव करते हैं दूसरी चीज एक और मजे की बात बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं इसको एज अ सोर्स ऑफ फूड लिया जाता है हाँ

तो वो ये कहते हैं भाई एक ऐसी छिपकली है उसको हाथ लगाया और बंदा मर जाए ना करो हाथ लगाया बंदा मरे हंड और खंड यानी हाथ लगाया और बंदा उठाओ तो ये तो नहीं कह रहे कि आप वो लेके आए हो सर मैं लाया हूँ वो उसी चीज के ऊपर ये देखे ना ये मकसद ही यही है लोगों के पास कम अकली है शोर नहीं है पता ही नहीं है चीज क्या है उसके पीछे लग गए चार साल पहले पहले वो रिजल्ट मैं दिखाता हूँ आपको क्या है उसके बारे में हाथ लगाओ और बंदा मर जाए अब मैं हाथ लगा रहा हूँ ये ये आप है। का अगर ये बंदा फड़का या मुंह से झाग आई तो इसकी अपनी जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी है ठीक है मेरी जिम्मेदारी ऐसा कुछ भी नहीं होगा ये मेरे हाथ में आ गई है ये है ये है लेपर्ड गेको। लेपर्ड को इसको इसलिए कहा जाता है सर कि इसके ऊपर है ना लेपर्ड की तरह के स्पॉट बने बिल्कुल है दीवार पे चलने वाली तो ये मेरी टी शर्ट पे भी बैठ जाएगी आराम से अब हम आराम से बात करते हैं आप इसे मुंह पे रख सकते हैं मुंह पे भी रख लेंगे सर मुंह पे जरा करिए मुंह पे बिल्कुल लाए ये ले सर सर पे आ हमारे मुंह के अंदर रख के दिखाइएगा ये नहीं हो सकता अच्छा नहीं नहीं हो सकता ये तो, तो और छिपकलियों से वैसी मुझे कराहत आती है लेकिन ये उसकी एक अलग नस्ल है खूबसूरत है डिजाइनिंग बहुत अच्छी हुई हुई है अच्छा जी अब क्या दिखा रहे एग्जैक्टली exactly, मैं भी यही कहना ये, ये वही चीज है वो वो चीज़ है वो ही चीज़ है वो ही celebrity है 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 जिसने ओ, के अंदर नर... आ गया भाई Hollywood की पूरी पे वो शूट हो चुकी है। इसने जो भी भी उड़ाया कश्ती भी चलाई है। और बड़ी ही जबरदस्त इसकी वो स्टोरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंडली ये चूहा है कभी इंसानों को इसने नहीं काटा और ये अपना दोस्त ही समझा है चूहो से भी मुझे बड़ी कराहत है लेकिन ये चूहा जो है का खवीन वजरात ऐसा लग रहा है छोटा वर्जन है खरगोश का ये नीयर टू खरगोश भी लग रहा है और बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है अगर ये मेरा कैमरा मैन अगर आपको जूम करके दिखा सके बहुत प्यारा है और ये स्टॉट लिटिल है सेलेब्रिटी भी है इससे ऑटोग्राफ भी आप ले सकते हैं इसको अपनी वैल्यू का नहीं पता कि मैं क्या चीज हूँ ये लेनी चाहिए रेड आइज है ये अलबिनो वाइट अच्छा माइस है ठीक है इनके बारे में जैसे मैं पहले बता चलूंगा इनका ब्रीडिंग सिस्टम बहुत फास्ट है बच्चे देने के अंदर ये सबसे आगे हैं यही वजह है 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 कहीं ये ये मेल मेल फीमेल इसके अलावा एक और बात है इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए ये देखने के लिए कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है कि एक चूहे को समंदर के बीच में छोड़ दिया गया ये देखने के लिए क्या करता है नादिर भाई वो तीन दिन तक स्विमिंग करता रहा है लगातार नहीं कर रहा वो यूट्यूब पे मौजूद है इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट इतने मजबूत जानवर है कुछ भी खाकर जिंदा रह लेते हैं जो चीज खाई जा सकती है नॉन वेज हो वेज हो ये खाकर जिंदा रहेंगे बच्चे देंगे बस अपनी नस्ल बढ़ाएंगे इनका यही काम है यही काम है इनका तो यही वजह इंसान जो है ना सबसे लड़ा लेता है चो आगे बेबस क्या बात है इसके अलावा क्या दिखाएंगे आप इसके अलावा हमारे पास कुछ और नॉन वेनामस वो है स्नेक्स वो आपको दिखाते हैं अच्छा सांपों के बारे में कॉन्सेप्ट है कि जहरीले ही होते है जहरीली ऐसा नहीं है हर सांप जहरीला नहीं, नहीं भी होता आपसे पहला सवाल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल 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 ओ तो ये है और ये है रेड स्नेक तो इसे रेड स्नेक इसलिए कहा जाता है ये चूहे खाने वाला सांप है अच्छा ये वाला खा जाएगा ये ये वाला भी खा जाएगा बिल्कुल खिला के दिखा सकते हैं नहीं ऑडियंस को हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो एनिमल क्रुलट्री में ना आ जाए दूसरी चीज रेड स्नेक इसको इसका नाम से ही पता चल रहा है ये आमतौर पर खेतों के अंदर होते हैं ठीक है अगर ये सांप दुनिया में से ख़त्म हो जाए ना तो चूहे हम इंसानों को जितना खाने लायक खाना है ना वो सारा खा लेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से इकोसिस्टम के अंदर इसका किरदार है ये चूहों को ख़त्म करता है तो का खवतिन हजरात जहाँ भी ये सांप दिखे आप ख़रीद लें और जहाँ घूस वूस जो चूहों का मसला है मैं समझता हूँ आधे कराची का ये मसला है कि चूहा बहुत हो जाता है ये वहाँ छोड़ दें तो ये खा लेगा ये भी आपको दुआएं देगा और आप भी मुसीबत से आप निजात हासिल कर लेंगे क्या ख्याल है जमीस सर तो भाग जाएंगे लेकिन साथ में जो घर वाले भाग जाएंगे वो है? साथ में घर वाले भी भाग जाएंगे तो देखे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना जिम्मे अच्छा आज की महंगाई के दौर ये, में ये, एक मुंह अफोर्ड नहीं हो रहा है ये दो मुंह मतलब कहा से खाता है भाई अच्छा ये आप देखें दो मुंह वाला सांप अगर खाता दोनों मुंह से तो निकालता कहा ये या तो इसके बदले का आप करते हो बाथरूम में जाके सोच सकते हैं आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं <laughs> देखिए ये पॉइंट है ये ऑडियंस इस टाइम सोच रही होगी अगर ये दोनों मुंह से खाता है तो निकालता है कहां से एक जनरल नॉलेज का क्लियर कर देता हूं अच्छा इसका नाम है सैंड बोआ ये पहला वाला दे दे पहला वाला सैंड सैंड बोआ इसका नाम है हां क्या नाम है सैंड बोआ सैंड बोआ के नीचे अपनी नफे फिसे जिंदगी जमीन के नीचे गुजारता है उर्दू में इसका नाम फिर से खतरनाक रख दिया गया दो मुंह वाला सांप मैंने एक सपेरे से पूछा भाई दो मुंह वाला सांप कैसे क्या है वो कह रहा है भाईजान ये देखें दो मुंह है एक मुंह ये रहा एक ये रहा ये महीना इस मुंह से okay. तो खाता है और निकालने वाला सिस्टम भी अलग ही है जो अलग रहता है कहां से निकालता है सवाल है सर इनका बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम होता है जैसे डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसी तरीके से है टेल के पास ही इनका होता है बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं आप नहीं तो एक नॉलेज की बात है देखिए इसमें कोई वो तो नहीं है, बात है सर ये कह सकता हूँ नहीं 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 बात नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं एक सौ राख कोई बात नहीं बिल्कुल और क्या दिखा रहे अच्छा अब जो हम मैं दिखाने लगाऊ ना तो मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ जाति साफ तो नहीं दिखा रहे मेरा जो पेट है उसकी एज है सेवन ईयर ओल्ड मेरे दादा की एज क्या है है? जी सर मेरा दादा फाइव ईयर की कौन दादा लेके आ गए नहीं 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 मेरे इर? दादा की एज का है, है? अबे ये क्या है? सर ये एक कछुआ है ये क्या है भाई ये एक कछुआ है और लोग कहते हैं टर्टल है भाई टर्टल हाँ। नहीं है टॉर्टोइज है टर्टल और टॉर्टोइज में फर्क है टॉर्टोइज और टर्टल में फर्क है फर्क है टर्टल पानी का है टॉर्टोइज जमीन का है ये जमीन वाला है अच्छा ये वो वाला है जो हमने बचपन में कहानियों में सुना है खरगोश और कछुए exactly. की रेस वो लेकिन ये भी मशहूर है अपना खरगोश और कछुए की रेस वो ये रेस जो ना एक नहीं वो थी। इसने ली जीती थी, जीती थी रेस और ये इस कहानी का लुबे लुबाब था डेढ़ होशियारी इज नॉट अलाउड और ज्यादा आप वो क्या कहते कबा गुखाता है ये टोटराइज को थोड़ा सा समझा ले मैं इसे मैं अपनी गोद में रख लेता हूँ अच्छा मुझे ये बताएं कि ये क्या है इसकी उम्र क्या है अच्छा इसकी जो एज है हाँ। वो ओल्ड है ठीक अच्छा नॉर्मल तक जाते हैं एज में ये सौ डेढ़ सौ साल के भी हो जाते हैं बहुत ईजी है इनके लिए अभी ये है। जवान है अच्छा डेढ़ सौ जवान ये। है सर इसके पाँच से ज्यादा बच्चे हैं पाँच से ज्यादा बच्चों का अब्बा ही है ये दिखाइएगा मुँह दिखाइएगा तुम कोई और काम नहीं करते हो मतलब पांच सौ बच्चे क्या खाते हो सलाजीत का तुम मतलब सालन बना के खाते हो है क्या खाते हो ये माशाल्लाह से छह से सात किलो वेजिटेबल खाते हैं मछलियाँ गरम-गरम खाते हो है गरम क्यों इतने इमरान हाशमी से इंस्पिरेशन ली हुई है, है?

ये है मेरे हाथ में श्रीलंकन स्टार टोटरॉइज पाकिस्तान में पाया जाता था इंडियन स्टार टोटरॉइस जो हाईली इंडेंजर्ड है ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में लेकिन प्राइवेट जूज पे और फार्म्स पे अवेलेबल है ये हमने बाहर से इम्पोर्ट करवाया हुआ है श्रीलंकन स्टार टॉटराइस के बारे देखें ना सितारे बने हुए इतना नायाब नस्ल का कछुआ है कई हज़ार डॉलर का ये बिकता है थाईलैंड में नहीं है जी जी सर इसको पाकिस्तान में ये ख़त्म हो चुका है अब पता है मसला पता ही क्या है जब तक हमें नहीं पता होगा ना कि पेट्स कितने कीमती हैं इनको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए मसले मसाइल होते रहेंगे लेकिन खबर ख़वानों हजरात कुदरत चेक करें अल्लाह की कि क्या क्या चीज़ें हैं जो दुनिया में घूम रही हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं मतलब क्या कह सकता है बंदा कुछ भी नहीं कह सकता ये ये खत्म हो गई है ये, ये पाकिस्तान में सकते हैं नाइन नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट ये खत्म हो चुके हैं इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है मैंने गूगल पूरा छान मार लिया कि कोई तस्वीर तो में आप नसल को, की बिल्कुल ट्राई देखें पाकिस्तान की तो ब्रीड खत्म हो गई ना अब ये श्रीलंका और इंडिया में भी पाए जाते हैं है। तो ये इम्पोर्टेड नस्लों को हम यहाँ पे ब्रीड करा रहे हैं हमारे जू में जो लोग आते हैं हम उनको दिखाते हैं कि भाई देखें ये वो चीजें जो खत्म हो गई और बाकी चीजों को बचाएं अल्लाह के वास्ते उनको प्रॉब्लम ना होने दें सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ भी हम काम कर रहे हैं दूसरी एनजीओ के साथ भी काम कर रहे हैं कि भाई अल्लाह का वास्ता इन जानवरों को बचाएं इनके तहफुज के लिए काम करे आपने टॉपिक उठाया है बहुत कम ऐसे मैं कहता हूँ यूट्यूबर्स होंगे या पॉडकास्ट करने वाले होंगे जो इस तरह का टॉपिक उठाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपका मैं थैंक यू करता हूँ ना जाने कितने आज पेट लवर्स को

पॉडकास्ट मेरी तरफ से यही मैसेज है कि जो लोग बिला वजह कुत्ते को हिट कर देते हैं पत्थर में अक्सर रोड पे देखता हूँ कुत्ते का सर पटा हुआ जा रहा है और दूसरा बिल्ली ज़ख्मी होती है गाड़ी जो चला रहे होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि इनके इनकी भी फीलिंग्स हैं इनके भी एहसास हैं वो बस बता नहीं सकते आपको लेकिन ये भी फील करते हैं तो यहीं पे अपनी पॉडकास्ट का अख्ताम करेंगे कि जानवरों का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि ये अपनी जबान से आपको बता नहीं सकते कि इनको क्या आ जाता है थैंक यू सो मच जिम्मी सर आप आए Welcome. और आप ये जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इसमें इस्तकामत दे आपको यहीं पे हम अपनी पॉडकास्ट का अख्तिताम करेंगे मुझे और हमारे पाकिस्तान के ब्रेडी बार को दीजिए इजाज़त इस अपने पन के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि